दोस्तों, अगर आप वही नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी खाकर बोर हो चुके हैं तो आज महेश्वरी रसोई में बनेगा एक स्पेशल नाश्ता, जिसके लिए आपको दाल चावल गेहूं के आटे मैदा बेसन ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एकदम डिफरेंट तरीके से अमेजिंग नाश्ता बनाएंगे। बच्चों का भी फेवरेट रहेगा, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो बस आप एक अपना प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। स्पेशल नाश्ता बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको जरूरत होगी मिक्सी के जार की, तो उसमें डाल दीजिए आप 2 टेबलस्पून जितना गाढ़ा दही, दही पतला है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा धनिया डालिए, 2-3 हरी मिर्च डाल दीजिए, और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना देसी घी। देसी घी के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगा, तो बस देसी घी का इस्तेमाल करें। 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा पानी, जितना दही लिया था ना उतना ही पानी डाल दिया, और इसको एकदम पतला सा पीस के तैयार कर लिया। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे छाछ से भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगा। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी सूजी की, तो 1 कप जितनी सूजी ली, सूजी मोटी हो बारीक हो कोई इशू नहीं है, आपको उसे हल्का सा मिक्सी में चलाना ही होगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, यानी कि आप समझ सकते हैं एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। और उबले हुए 2 आलू ले लिए, आप लोगों को हमें ग्रेट करना है, लेकिन जो ग्रेटर लेना है ना वो बारीक वाला लें, ज़्यादा मोटे ग्रेटर से, या आप इसे फोड़कर इस्तेमाल ना करें। बस एक बार हल्का सा मिक्स भर कर लिया, क्योंकि अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, तो ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक। और उसके बाद हमने वो जो छाछ बना के रखी थी ना, थोड़ी थोड़ी करके वो छाछ डालते जाइए, पूरी छाछ आपकी आराम से लग जाएगी। शुरू में हो सकता है कि आपको लगे डो गीला है, लेकिन फ्रेंड्स सूजी है, पानी को काफ़ी सारा एब्जॉर्ब करेगी, तो ये बस सारी छाछ चली गई। और अभी आपको इसे बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार अच्छे से मिला लीजिए और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड से रख दीजिए। इसी बीच फ्रेंड्स हम एक तो चटनी बनाएंगे और एक बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सा मसाला, जिससे टेस्ट बहुत अमेजिंग आएगा। तो ये मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून जितना बटर, आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं, और 8-10 कलियाँ लहसुन की ले ली। लहसुनों को आपको क्रश कर लेना है, और इस क्रशर से काम करना बहुत ही मज़ेदार होता है और काम भी बहुत ही फटाफट हो जाता है। तो ये देखिए लहसुन की कलियाँ बढ़िया से क्रश हो गई हैं, और आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे हल्का सा कूट सकते हैं। ये गई बटर के अंदर, और तीखेपन के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून जितने चिली फ्लेक्स, आप नॉर्मल लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, और उसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया। वैसे तो फ्रेंड्स मैंने जो बटर यूज़ किया है वो सॉल्टी है, फिर भी थोड़ा सा हम इसमें नमक और डालेंगे, जिससे और भी बढ़िया इसका टेस्ट हो जाएगा। और देसी घी डाल रहे हैं तो आपको पूरा नमक डालना ही होगा, और ये गई हरी मिर्चें। चलिए मसाला तैयार हुआ, अब बनाते हैं स्पेशल चटनी जो कि इसके साथ बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करेगी। चटनी बनाने के लिए एक गैस ऑन करी और उसके ऊपर रखी मैंने एक भारी पैंदे की कढ़ाई, 2 टेबल स्पून उसमें सरसों का तेल डाला क्योंकि स्मोकी फ्लेवर चटनियों में बढ़िया लगता है, 8-10 कलियाँ लहसुन की डाल दी। आपको इसके लिए लहसुन को कट करने की ज़रूरत नहीं है, साबुत ही बस अच्छे से छील के डाल दीजिए। 30 से 40 सेकंड मैंने लहसुन की कलियों को अच्छे से भून लिया है, और जो हमने प्याज कट करके रखी थी वो प्याज डाल दी। फ्रेंड्स अगर आप चटनी को स्टोर करना चाहते हैं तो जो आपको प्याज भूननी है ना, तो उस पर ज़रूर ध्यान रखना है कि आप प्याज को एकदम स्लो गैस पर अच्छे से भूनें, जब तक वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए प्याज हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, तो बस थोड़ा सा और भूनेंगे, और अब प्याज हल्का हल्का सा शिंक होने लगा, यानी कि सिकुड़ने लगा है, और एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। स्पेशल चटनी बनाने हैं तो फ्रेंड्स स्पेशल मसाला भी बनाएंगे, और ये मसाला आप बहुत जगह काम में ला सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जितना सौंफ, और 1 टीस्पून जितना जीरा लिया है। इन्हें हमें जब तक भूनना है जब तक बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे और एक हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए, लेकिन बस ध्यान रखिए कि मसाले जलने नहीं चाहिए। लाल मिर्चों को थोड़ा सा बाद में डालिए, वरना इनकी जो गंध होती है ना बहुत तेज़ होती है और छींकें आने लगती हैं। तो अब मसालों को भी थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और जैसे ये मसाले ठंडे हो जाएं आप इसे डाल दें एक ग्राइंडर के अंदर, और इसे आपको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसे हल्का सा दरदरा रखेंगे जिससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों बढ़िया आएगा।
तो ये देखिए हमारा मसाला भी दरदरा सा पीस के तैयार हो गया है, और इधर हमने जो प्याज रखा था वो भी ठंडा हो गया है, तो इसे भी डाल देते हैं एक मिक्सी के जार के अंदर। और अब बारी है इसे पीसने की, लेकिन नॉर्मल चटनी की तरह नहीं पीसना है, इसे भी आपको हल्का सा दरदरा सा रखना है, तभी बढ़िया टेस्ट आएगा। देखिए एकदम परफेक्ट तैयार है। तो अब फिर से मैंने गैस ऑन कर दिया और वही कढ़ाई रख दिया है, बॉटम अच्छा सा भारी है। और अब हम इसमें फिर से डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल। अगर फ्रेंड्स आप चटनी को इंस्टेंट बनाकर इंस्टेंट खा रहे हैं तो आप ऑयल की मात्रा कम कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करना चाहते हैं तो आपको ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना होगा, जिससे आपकी चटनी अच्छे से प्रिजर्व हो पाएगी। और उसमें डाला 1/2 टीस्पून जितना जीरा, 1/4 टीस्पून जितनी राई, और चटनी में ये जाएगी स्पेशल चीज़, और ये है फ्रेंड्स उड़द की दाल। जो धुली हुई दाल होती है ना, उसे बस अच्छे से पोंछ ले, और बिल्कुल थोड़े से मेथी के दाने, सूखी हुई जो मेथी होती है उसके ही दाने हैं। और ये लिए एकदम बारीक कटी हुई 3-4 हरी मिर्चें। एक बढ़िया फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी शिमला मिर्च, और जो मैंने पहले लाल शिमला मिर्च डाली थी ना, वो थोड़ी सी बच गई है। और फ्रेंड्स ये थोड़ी सी जो शिमला मिर्च डाली है ना, इससे चटनी का अरोमा बहुत बढ़ जाएगा। और साथ ही डाले ये 8-10 करी पत्ते, फ्रेश करी पत्ते हैं। अगर आपके पास सूखा हुआ पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही लिया ये थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी हमें तेल में ही डालना है, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसे प्रिजर्व करने वाले हैं। और तेल में जब धनिया अच्छे से भुन जाएगा तो ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद मैंने ली कसूरी मेथी 1 टीस्पून जितनी। सब चीज़ों को आप करीब 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से भून लें, जिससे कच्चापन दूर हो जाए और जब हम चटनी को स्टोर करें तो वो ख़राब भी ना हो। तो ये देखिए हमारा जो मसाला था एकदम बढ़िया सा भुनकर तैयार हो गया है। अब आ रही है इसमें लाल मिर्च डालने की। तो मैंने लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्चें, क्योंकि हमने इसमें मिर्चें ऑलरेडी डाल दी हैं। सूखी हुई लाल मिर्चें डालनी थी, हरी मिर्चें डालनी थी, तो बस बढ़िया कलर के लिए आप डाल दें कसूरी लाल मिर्चें। और उसके बाद वो प्याज जो हमने पीस के तैयार किया था वो डाल दिया। और ये मैंने लिए हैं 1/4 टीस्पून जितनी कलौंजी, इससे बहुत ही बढ़िया आपको टेस्ट मिलेगा। तो बस अब बारी है इसे बढ़िया सा भून लेने की। तो उसके साथ ही अब हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। चटनी को आप करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लें, और 3-4 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे इमली का पानी, जिससे ये जो चटनी है थोड़ी सी पतली भी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी चटनी तो खाने में भी दिक्कत करेगी। और उसके बाद ये मसाला डाल दिया, और बस उसके बाद अब हम चटनी को करीब 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। ओवरऑल हमें चटनी को 5 से 6 मिनट पकाना होगा। और यह आप ये पहचान समझ सकते हैं कि जब हमने इसमें जो ऑयल डाला है वो सेपरेट हो जाए, तो चटनी परफेक्ट पककर तैयार है। और अब आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, यानी कि चटनी तो परफेक्ट तैयार हो गई है। इस चटनी को आप टमाटो सॉस की तरह महीने 2 महीने भी रखकर खा सकते हैं। और ये लीजिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, जो हमने डो रखा था उसने बढ़िया आराम कर लिया है, और देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो अब बारी है इसकी मालिश करने की, और मालिश करने के लिए काउंटर टॉप को अच्छे से ग्रीस किया, और इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए आप इसे अच्छे से मसल लें। वैसे तो इसमें बाइंडिंग के लिए आपको मैदा या गेहूं के आटे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लग रहा है ज़्यादा स्टिकी है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून जितना गेहूं का आटा डाल दीजिए, और उसके बाद एक बार और अच्छे से मसल लीजिए। बस मसलने में थोड़ा सा अगर आप समय देते हैं ना, तो आपका नाश्ता अमेजिंग बनने वाला है। देखिए एकदम जैसे नॉर्मल गेहूं का आटा होता है वैसे ही आपका डो तैयार हो गया है, एकदम चिकना सा आपका डो लगकर तैयार हो जाएगा, कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। और जब डो लग जाए तो उसे आप पेड़ा तोड़िए, सूखे आटे में कोट कीजिए, और जैसे नॉर्मल रोटी पराठे बेलते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से बेल लीजिए। चाहे तो काउंटर टॉप को आप हल्का सा ग्रीस करके भी बेल सकते हैं, आराम से मैनेज होता है, कोई इशू नहीं है। और जब आपका ये पराठा बनकर तैयार हो जाए, जो मसाला बनाया था 1 टीस्पून जितना लेके अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं या बड़ों को भी चीज़ पसंद है तो थोड़ा सा चीज़ डालिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगा। मैंने मेजरर लिया है, आप चाहें तो चीज़ क्यूब ले सकते हैं, चीज़ स्लाइस ले सकते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा डाला, और आप बारी है इसका पैकेट बनाने की। तो एक साइड ली, अच्छे से प्रेस करते हुए एक साइड मोड़ दी, उसके बाद में दूसरी साइड फोल्ड की, तीसरी साइड, और ये लीजिए लास्ट हो गया चौथी साइड के साथ में। तो अब आप देख सकते हैं एक आपका स्क्वायर जैसा पेड़ा तैयार हो गया है। नाश्ता बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, और ये जो लेयर है ना सारे आपके नाश्ते में आएंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए एक और बनाते हैं। सूखा आटा लिया,
अच्छे से बेल लिया, मसाला स्प्रेड किया, थोड़ी सी चीज़ डाल दी। चीज़ पुल इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है, अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद सूखा आटा डाला, साइडें उठाते हुए फोल्ड कर दिया। इस नाश्ते का ना तो फटने का डर है ना फैसने का डर है, बहुत ही अमेजिंग आपको टेस्ट मिलेगा, लेयर बहुत शानदार आएंगी। बस हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसे इसकी शेप को थोड़ा सा ठीक से करते हुए आप इसे बेल लें, यानी कि इसकी स्क्वायर शेप है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये लीजिए आपका एक स्क्वायर नाश्ता तैयार हो गया। एक और बना लेते हैं। और जब आपके नाश्ते तैयार हो जाएँ यानी कि बिलकर तैयार हो जाएँ, उसके बाद तवा को आप थोड़ा सा अच्छे से ग्रीस कर लें। 1 से 2 टीस्पून जितना कुकिंग ऑयल, देसी घी या बटर डाल दें और पराठे को आप प्लेस कर दीजिए। और जब उसे सिकते हुए करीब 30 से 40 सेकेंड हो जाएं, दूसरी तरफ भी अच्छे से आप ऑयलिंग कीजिए और उलट पलट कर जैसे हम नॉर्मल पराठे और सेकते हैं ना, उस तरीके से सेक कर तैयार कीजिए। बस पर जैसे नॉर्मल पराठे सेकते हैं उससे थोड़ा सा आपको तरीका अलग रखना है। आप चाहें तो फ्रंट से सैलो फ्राई कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से घी डालिए और सेक लीजिए, लेकिन हेल्दी ऑप्शन है, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाइए, सेकते जाइए। तो एक तैयार हुआ, सेम प्रोसेस से दूसरा भी बना लेते हैं। इसे आपको ना तो बहुत ज़्यादा मोटा रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है। और ये लीजिए दूसरा भी तैयार हो गया है, तो इसे भी कर लेते हैं डिश आउट। और बारी आ गई फ्रंट प्लेटिंग की। तो प्लेटिंग करने के लिए पहले तो मैंने रखी है ये टमाटर वाली चटनी, इसके साथ ही मैंने रखी है ये हरे धनिया की तीखी वाली चटनी, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करेंगी। आप चाहें तो टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए खस्ता तो बहुत ही ज़्यादा बनकर तैयार हुआ है। और आप देखिए ना जो चीज़ डाली थी क्या अच्छे से पुल हो रही है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही शानदार है। तो बनाने का तरीका तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया, बहुत ही आसान है। और टेस्ट में आपसे क्या बताऊँ कि कितना ज़्यादा टेस्टी है, बच्चों को भी पसंद आएगा, बड़ों को भी पसंद आएगा और आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।